आदिवासी की जो संख्या 45 से 36 आ गई है, तो आपको समझ में आता होगा कि क्या होगा, आने वाला हाल में क्या होगा। मैंने तो, हम लोग तो गांव में से रहने वाला हूँ, जिस गांव में देखे थे कि मैंने 10-15 घर था मामोरन का, आज वहां पर हजारों घर हो गया। कैसे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अमित शाह जो है वो सही पर अधिक है, सही पर चलते हैं, और झारखंड सरकार जो है वो एक लॉलीपॉप देकर के सबको फुसला रही है कि हम इतना मैया योजना दे रहे हैं, हम जाकर के इतना बहाली करवाएंगे। ये सिर्फ 1-2 महीना का ही चक्कर है, इसके बाद ये सब बंद हो जाएगा। लगातार बीजेपी कह रही है कि डेमोग्राफी जो है वो संथाल का चेंज हो रहा है, क्या ये आज नया संथाल का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बरसों से सदन से लेकर सड़क तक संथाल परगना के डेमोग्राफी के बारे में हमेशा मामला को उठाया, खास करके राजमहल विधानसभा के लोकप्रिय विधायक अनंत ओझा जी के द्वारा। आज विगत 5 साल से इस डेमोग्राफी के बारे में, इस संथाल परगना में आदिवासियों की जमीन की लूट हो रही है और यहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। क्या ये 5 साल में ही डेमोग्राफी चेंज हुआ, इससे पहले चेंज नहीं हुआ? अचानक से चेंज हो गया? पहले से भी चेंज हो रहा है, तो ज्यादा मात्रा में नहीं हो पाया था, लेकिन अभी वर्तमान सरकार जो है ये दुर्भावना से ग्रसित होकर और इस झारखंड प्रदेश में आपका डेमोग्राफी चेंज करने का और बांग्लादेशी घुसपैठियों का प्रश्रय देने का काम ये सरकार कर रही है। घुसपैठिया कितना बड़ा मुद्दा होने वाला इस लोकसभा चुनाव में? बहुत बड़ा होगा घुसपैठिया। आप समझ सकते हैं कि जो मेरी आदिवासी की जो संख्या 45 से 36 आ गई है, तो आपको समझ में आता होगा कि क्या होगा, आने वाला हाल में क्या होगा। मैंने तो, हम लोग तो गांव में से रहने वाला हूँ, जिस गांव में देखे थे कि मैंने 10-15 घर था मामोरन का, आज वहां पर हजारों घर हो गया जिस समय, और यही 7-8 साल के अंदर में बता रहे, ज्यादा दिन नहीं। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ उस गांव में संथालों का, उस समय संथाल का बाड़ी जितना है मैंने 1 किलोमीटर तक खत्म कर दिया इन लोगों ने। हेमंत सरकार कह रही है कि अगर घुसपैठिया बढ़ा है तो वो बॉर्डर पर केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, क्या ये झारखंड सरकार की जिम्मेवारी बनती है, केंद्र सरकार की नहीं? केंद्र सरकार झारखंड तो कार्ड बना के दे रहे हैं, सब कुछ तो झारखंड सरकार ही कर रहे हैं, यहाँ केंद्र सरकार की बातें नहीं आ रही। वही तो सब कुछ मैंने पुल फलवा जैसे न कि वो बढ़ोतरी कर रहा है, और ये सरकार जो वादा कर रही है वो आप एक भी बता दीजिए कि 5 साल का वादा पूरा हो। जितने भी है, जितने उनका दलाल बैठे हैं, आज लोग आए मुसलमान कहीं भी बाहर से आए, अल्पसंख्यक उनका आधार कार्ड बन रहा है, लेकिन हमारा हिंदू भाई घूम के मर जाएगा, लेकिन उनका बनने वाला नहीं है। इतने दुर्चार, इतने भ्रष्टाचार सरकार अभी चला रहा है जिसका कोई वर्णन ही नहीं। मैया योजना झारखंड सरकार निकाली है, बहाली पर बहाली अब दे रही, क्या मैया? ये तो सिर्फ इलेक्शन का आपका वो अभी पोटेंडा है, देखिएगा जैसे कि अभी, जैसे अभी अभी देखिएगा ना, जैसे ये लागू होगा आचार संहिता सब देखे खत्म, कुछ नहीं है, लुभावन है, ये कुछ नहीं होने वाला। क्या लग रहा है इस बार जिस तरीके से जनसभा अमित शाह ने किया है, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा आम जनता पर? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अमित शाह जो है वो सही पर अधिक है, सही पर चलते हैं, और झारखंड सरकार जो है वो एक लॉलीपॉप दे करके सबको फुसला रही है कि हम इतना मैया योजना दे रहे हैं, हम जाकर के इतना बहाली करवाएंगे। ये सिर्फ 1-2 महीना का ही चक्कर है, इसके बाद ये सब बंद हो जाएगा। मतलब 1-2 महीना? हाँ, 1-2 महीना का ही है मैया योजना जो है ना, 1-2 महीना के लिए चल रहा है, ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है कि किस तरह वोट को लुभावित करें, जिस तरह जाकर के उत्तर प्रदेश में हुआ था, जाकर के अति में खटाखट उसके बारे में हुआ था, उसी तरह की योजना लगा करके अपना वोट बटोरने के चक्कर में है, और इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो अपना वोट बटोरने के चक्कर में जो है झारखंड सरकार है, मैया योजना, यहाँ पर महिलाएं हैं, क्या लग रहा है मैया योजना से कुछ फायदा आप लोगों को मिलेगा? फायदा नहीं मिलेगा, हमें नहीं लग रहा, ये बस थोड़ा दिन के लिए ही है, वोट तक के ही है, उसके बाद से ही बंद कर देगा। इसका मतलब आप मैया योजना का लाभ नहीं लीजिएगा? जी नहीं, हम नहीं, हम तो चाहते ही बंद कर दे, हमको नहीं लेना है, मैया योजना का लाभ लेना भी नहीं लेना। आप क्या चाह रही, मैया योजना का लाभ आप चाहिए? नहीं नहीं, हम नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप है, आप कैसे जान गए कि इलेक्शन भरी देंगे? क्या कहिएगा, लगातार ये योजना, ये फ्लॉप योजना है, ये योजना जो है सरकार सिर्फ लुभावना कर रही है, वोट लेना है, वोट लेने के लिए 2 महीना बाद ये बंद हो जाएगी, और ये योजना सही नहीं है, और इसमें जो है
बू आ रही है कि वोट लेने की राजनीति है। वोट मैया योजना जो है ये वृद्धा पेंशन को रोक के इसको इन लोगों को दे के लुभा रहे हैं और इसमें कोई यही नहीं है। जो आगे दिन आपको मिलता रहेगा ये 2 महीना के बाद बंद होना निश्चित है।